वेलकम गाइज, वेलकम टू पलक नोट्स। आज मैं जिस मिनरल की बात करने जा रही हूँ, आपको पता है वो आपके शरीर के अंदर 300 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एज पर अमेरिकन रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन शेली, हो सकता है ये सिंपल सप्लीमेंट, सिंपल मिनरल, जो कि अमेरिकन न्यूरोसर्जन है, उनके हिसाब से अगर आपने इसकी गोली खाई, हो सकता है कि आपको 90% बीमारियां आपकी ठीक हो जाए। 90% बीमारियां गाइस, बिकॉज ये इतना इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी डाइट में से मिसिंग हो गया है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, मैग्नीशियम। एक चीज़ याद रखना, पलक नोट्स की पूरी जर्नी के अंदर मैंने सबसे पहले वो वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि सबको लेने चाहिए, उसके बाद डिजीज स्पेसिफिक लॉन्च किए हैं, ठीक है। एंड मुझे बार बार मैग्नीशियम के बारे में बात करनी पड़ती है। प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लेना, आप नहीं तो आपका हस्बैंड, नहीं तो आपकी फैमिली मेंबर्स, किसी ना किसी को तो इस मैग्नीशियम की जरूरत होगी होगी। सो डॉक्टर नॉर्मन शेली, जो कि अमेरिकन न्यूरोसर्जन है, मैं उन्हीं की वेबसाइट से ये लाइन पढ़ रही हूँ, एवरी नोन इलनेस इज एसोसिएटेड विद मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। दुनिया की हर बीमारी के पीछे मैग्नीशियम है गाइस, कैन यू इमेजिन। एंड दिस इज अ मिसिंग लिंक टू मैनी मैनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों के पीछे ठीक होने का कारण मैग्नीशियम हो सकता है। यह आपकी बॉडी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 300 बायोकेमिकल्स में हेल्प करता है। ओके, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है आपके शरीर में? पहला कारण है, हो सकता है आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की मेडिसिन खाते हो, इससे मैग्नीशियम डिप्लीट होता है। अगर आपको बार बार यूरिनेशन आती है, बाथरूम आता है, कुछ लोग बहुत गलत तरीके से बताते हैं कि पलक आपको दिन में 10 ग्लास पानी पीना है, 15 ग्लास पानी पीना है। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, इतना पानी मत पियो, 7 से 8 ग्लास काफ़ी है, क्योंकि वो आपके मिनरल्स को, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करता है आपके यूरिन में। दूसरा कारण है मैग्नीशियम की कमी का, कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लीकी गट हो चुका है। लीकी गट हम सबको है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है, जिसका पहला साइन आपको दिखेगा आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपके डार्क सर्कल्स पे, जितने भी आपके ब्यूटी फीचर्स हैं अगर वो अफेक्टेड हैं, इसका मतलब विटामिंस, मिनरल्स और प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब मैं आपको हमेशा मैं बात करती हूँ, सॉइल डिप्लीट हो गई है, सॉइल डिप्लीट गई है। आपको पता है कि कितनी डिप्लीट हो गई है? 2011 के अंदर मैंने एक स्टडी मिली है मेरे को, जो कि कुशी इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिसिस ने की है। उन्होंने 1975 से लेके 1997 तक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के सैंपल्स लिए। उन्होंने 1975 में एक सैंपल लिया, 1985 में एक सैंपल लिया, फिर 1995 में सैंपल लिया। ये 20 साल पुरानी, मतलब 20 साल तक की स्टडी चलती थी गाइस। उन्होंने देखा कि उन्होंने 12 ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लिए, उन्होंने देखा कि आयरन लेवल वेजिटेबल्स के अंदर 32% ड्रॉप हो गया है, एंड 38% विटामिन ए, 29% विटामिन सी, 35%। 20 साल के अंदर 1975 से 1995, ये 20 साल के अंदर 30% आपका न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो चुका है। 1995 से 2015 का अभी स्टडी चल रहा है, वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इट शुड बी पब्लिश्ड, बट मुझे हाथ में वो स्टडी नहीं मिली है। जो मेरे हाथ में स्टडी मिली वो थी 1975 तक, 20 साल तक 30% आपका आयरन, विटामिंस, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन सी आपकी सॉइल से डिप्लीट हो चुका है। कारण क्या है? पॉपुलेशन, बार 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 उसी सॉइल को यूज करना गाइस। मैंने बहुत सारे वीडियोज में सॉइल डिप्लीशन की बात की है, बट मेरे हाथ में आज हैंडी डेटा है, जो कि मेरे हाथ में मॉर्निंग में स्टडी लगी है। उसके बाद कुएं का पानी, स्प्रिंग वाटर, लोग पहले ये पीते थे। जो पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज हैं, उनका मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाता है। और लास्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम को हिंडर करती है, वो है अल्कोहल डिपेंडेंसी। जो लोग रोज़ शराब पीते हैं, देखना उनको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। आप मैग्नीशियम का कोई टेस्ट नहीं करवा सकते हो। ऐसे ही इस बार इंडिया में मजाक मजाक में मैंने एक लैब वाले को वो किया,
लैब वाले को चैलेंज किया मैंने, मैंने कहा मेरा मैंने आज तक कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। उसने कहा मैम मैं करके ही रहूंगा आपका ब्लड टेस्ट। मैंने कहा कर ले बेटा। एंड उन्होंने देखा मेरा वाइटमिन B12 1800 आया और उसने मुझे कहा मैम वाइटमिन B12 की गोली मत खाना। उसके सामने मैंने गोली खाई क्योंकि गाइस सेम मैग्नीशियम आपके सेल्स के अंदर होता है, आपके हार्ट के अंदर होता है और 25% मैग्नीशियम होता है आपकी बोन्स के अंदर। क्या आपके बोन्स के अंदर से उन्होंने सैंपल लिया था? नहीं। इसी तरीके से वाइटमिन B12 आपके लिवर के अंदर होता है। क्या उन्होंने लिवर का एक टुकड़ा निकाला था? नहीं। उन लोगों ने क्या टेस्ट किया? आपका ब्लड टेस्ट किया। ब्लड से ना मैग्नीशियम पता चलता है ना ही आपका वाइटमिन B12 पता चलता है। ओके, अब मैं आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के 300 सिम्टम्स हो सकते हैं, 300 सिम्टम्स, बट मैं मोटा मोटा सिम्टम्स बता रही हूँ। पहला सिम्टम माइग्रेन एंड हेडेक्स। गाइज व्हेन आई मेट माय हस्बैंड ही वाज अ क्रॉनिक पेशेंट ऑफ माइग्रेन एंड हेडेक्स। बचपन में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि वो सैटरडे संडे खेलने नहीं जाते थे, वो गोदी में लेटे रहते थे बिकॉज ऑफ सिवियर माइग्रेन अटैक्स। एंड माय हस्बैंड सिंस आवर मैरिज, क्योंकि मैंने सिर्फ तब माइग्रेन के बारे में पढ़ा था, ही हैज जीरो माइग्रेन एंड हेडेक अटैक बिकॉज आई सप्लीमेंटेड हिज डाइट विद मैग्नीशियम गाइस। सो दैट हाउ पावरफुल, अगर आपको सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ओके, इन्होंने क्या किया, एक डबल ब्लाइंड प्लासीबो स्टडी ली। डबल ब्लाइंड प्लासीबो स्टडी का क्या मतलब होता है कि इंसान को प्लासीबो इफेक्ट ना आए। उन्होंने लोगों की आंखों पर पट्टियां बांध दी और उनको 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम दी। उन्होंने देखा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पार्टिसिपेंट्स की 48% कम हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर उनको महीने में 5 बार माइग्रेन अटैक या सर दर्द होता था, वो सिर्फ 2 बार रह गया विद इन फर्स्ट मंथ। इतना पावरफुल है मैग्नीशियम। उसके बाद अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, एक चीज ये चीज समझो गाइस, मेनोपॉज के बाद एक औरत का शरीर जीना नहीं चाहता है, वो बहुत डिक्लाइन करता है। ठीक है, सिर्फ एक ह्यूमन स्पीशी है, औरत ही जो जिंदा रहती है, बाकी मेनोपॉज के बाद हर स्पीशी की डेथ हो जाती है। बट ह्यूमन बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा चेंज है डिक्लाइनिंग बोन डेंसिटी। एंड मैग्नीशियम 25% आपकी बोन्स में पाया जाता है। अगर आपको बहुत थकावट रहती है, मैग्नीशियम इज वन। एंड देन नंबर फोर्थ इज Type 2 diabetes, क्योंकि जो लोगों को डायबिटीज हो चुकी है या जो लोगों को डायबिटीज का रिस्क है, अगर उनको सिर्फ 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम पर डे दी तो उनका 22% चांस डायबिटीज होने का कम हो जाता है। ओके, एंड देन हाई ब्लड प्रेशर। मैग्नीशियम का क्या काम है? रिलैक्स करना। तो आपकी आर्टरीज, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जैसे आप पानी की पाइप लो, उसको आप पिंच कर दो तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, वो पिंच हो जाती है, उसके अंदर प्लैक जमने लगता है। और मैग्नीशियम क्या करता है? आपके सेल्स को रिलैक्स करता है, तो आपके ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है। 2008 में 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स ने स्टडी करी, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को मैग्नीशियम दिया और उनका स्ट्रोक रेट 80% कम हुआ। स्ट्रोक रेट, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये 80% कम हुआ। देन एंग्जाइटी, क्योंकि जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है वो आपकी बॉडी से गाबा डिप्लीट करती है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपको बहुत काम रखता है। आपने हमेशा कुछ औरतें देखी है, मेरे यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल, मैंने YouTube पर अभी लाइव जाना था, मैंने देखा कि मैं YouTube पर किसी कारण लाइव नहीं जा पाई। ठीक है, एंड आई वॉज लाइक क्या फर्क पड़ता है। एंड कुछ औरतें होती हैं या कुछ आदमी होते हैं, उन लोगों से स्ट्रेस नहीं झेला जाता है, हमें ऐसा लगता है किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। लाइफ में कुछ बड़ी से बड़ी चीज हो गई, क्या फर्क पड़ता है गाइस। मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रेस आपको नहीं होता है, स्ट्रेस आप लेते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा, जो कि उसको सिंथेसाइज करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। अगर आप सुबह उठते हो और आपको फिब्रोमाइल्जिया है, मतलब कैफीन के बिना उठा नहीं जाता है आपको, गाइस ये रियल स्टोरी है। मैंने सोफी की केयर टेकर रखी एंड मैंने उसको कहा कुछ लेगी, शाम को 5:30-6 बजे थे, एंड शी इज लाइक मुझे कॉफी दे दो। मैंने कहा नो, आई एम नॉट गोना गिव यू कॉफी शाम को 5:30 बजे। ओके, कहती गिव मी सम काइंड ऑफ कैफीन। मैंने बोला नहीं यार, आई कैन गिव यू कैमोमाइल टी। इज लाइक देन आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ सोफी नेक्स्ट 1 आवर।
आवर आई टेक 5 cups of coffee. दिस इज फिब्रोमाइल्जिया. 25 साल का बच्चा है एंड उसको फिब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स हैं, उसको बार बार कैफीन की जरूरत है. फिर मैंने उसको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट खिलाया. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्यों मैग्नीशियम कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है? कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब आपका स्टूल है वो पड़ा पड़ा हार्ड हो जाता है किसी कारण के, आप बाथरूम टाइम से नहीं जाते हो या कोई भी आपके जो आपकी एनल बैक्टीरियल कॉलोनी है वो खराब हो गई है या फाइबर कम खा रहे हो या फाइबर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. तो मैंने मेरा जो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट है उसके अंदर 2 salts हैं. एक है बाइग्लाइसिनेट. जो बाइग्लाइसिनेट है वो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, फटीग, ऑस्टियोपोरोसिस. बट वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प नहीं करता है. कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट मैं आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा गोली किसी को दो तो उसको पॉटी लग जाती है, जिसको डायरिया कहते हैं. तो मैंने थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला. ये क्या करता है, आपकी बॉडी से पानी ड्रॉ करके आपकी इंटेस्टाइन्स की तरफ भेजता है और आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है. बट इसको बहुत ध्यान से सप्लीमेंट करना पड़ता है. अगर आप सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड का सप्लीमेंट ले रहे हो, दिस इज अ रियल स्टोरी. जब सोफी 1.5 साल की थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको मैग्नीशियम सल्फेट का बाथ दिया एंड मैंने उसको जैसे ही बाथ टब में बिठाया, वो बेचारी 9-10 महीने की थी, एंड मैंने उसको बाथ टब के अंदर बिठाया. उसके बाद मैं पलटी तो बाथ टब के अंदर पूरी बेचारी पॉटी कर चुकी थी. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई ओवरडोज्ड ऑन मैग्नीशियम. सो डू नॉट ओवरडोज ऑन मैग्नीशियम, दिस इज माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस. उसके बाद इनसोम्निया, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने पालक खानी है रात को खाओ हाई इन मैग्नीशियम. अगर आपको रात को सीड्स खाने, नट्स खाने हैं, मॉर्निंग के टाइम एलमंड्स खाओ, रात के टाइम कैश्यूज खाओ, बिकॉज कैश्यूज आर वेरी हाई इन मैग्नीशियम. एंड आई एक्चुअली टेक हैंडफुल ऑफ कैश्यूज समटाइम्स बिफोर स्लीपिंग बिकॉज इट इज वेरी वेरी हाई इन. अगर आपके बच्चे रात को पैर मारते हैं, जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, गिव देम मैग्नीशियम बाथ. ओके, गिव देम मैग्नीशियम बाथ, इट इज सो सो इंपॉर्टेंट. और अगर आपको भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, टेक मैग्नीशियम गाइज. सो like I said in the beginning of the video, as per American neuroscience scientist Norman Shelley, jinki website pe main hu, every known illness is associated with a magnesium deficiency. Every known illness. Hamare ghar pe magnesium khatam hi nahi hoti hai. So guys, we do all, like everybody, me, Sophie, because bachcho ki haddiyan khich rahi hoti hai na. So what I do is, yahan Germany mein magnesium ke saath bahut sare salts mix karke baby bath milta hai. So I put her, I don't गिव हर मैग्नीशियम की गोली, वो गोली खा ही नहीं सकती है. एंड गाइज, एक चीज ध्यान रखना, मैग्नीशियम इज अ मिनरल. जिनके पेट के अंदर कम एसिड होगा, स्टमक एसिड कम होगा, उन लोगों को हो सकता है मैग्नीशियम से क्रैम्पिंग हो. बट अगर आप मैग्नीशियम की ये बॉटल खरीद रहे हो, आप मेरी वेबसाइट palaknotes.com पे मैग्नीशियम खरीद सकते हो. मैंने आज एक बंडल अपलोड कर लूंगी, बोन डेंसिटी, जिसमें आप मैग्नीशियम एंड ADK ले सकते हो. क्योंकि अगर आपको अपनी हड्डियां स्ट्रांग बनानी है, यू हैव टू टेक मैग्नीशियम विद आवर ADK सप्लीमेंट. एंड यू कैन बाय, ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, आप अपने घर पे खत्म मत होने दिया करो, क्योंकि दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बीमारियां. व्हाट इज दोज सप्लीमेंट्स? वन इज विटामिन ADK. ADK इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बीमारियां. जो हिंदुस्तानी डाइट है, विच इज सिवियरली डेफिशिएंट इन 2 vitamins, विटामिन B12 एंड विटामिन B12, एंड देन द नेक्स्ट वन इज दिस वन, मैग्नीशियम. दे आर सिवियरली डेफिशिएंट B12. तो आप ADK, विटामिन ए इज अ बिग डेफिशिएंसी इन इंडियंस, बिग डेफिशिएंसी, क्योंकि गाजरों से आपको विटामिन ए नहीं मिलता है. सो गाइज, जो सप्लीमेंट्स आपको रेगुलरली लाइक ऑन एंड ऑफ खाते ही रहना है, आई डोंट टेक ADK एवरी डे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैं खाने के अंदर Coco D3 डाल देती हूँ. आई टेक ADK 3-4 times a week. एंड आई टेक, क्योंकि मेरे मल्टीवाइटामिन भी विटामिन डी है, आई टेक मल्टीवाइटामिन ऑलमोस्ट एवरी डे. आई टेक Omega-3 एवरी डे ऑफ माई लाइफ. और जिस दिन मुझे ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, आई इवन टेक Omega-3 2 times. एंड मॉर्निंग इवनिंग मैग्नीशियम आई टेक ऑलमोस्ट एवरी डे. गाइज, आपको ये सप्लीमेंट्स साथ लेके चलने हैं. दिस इज द रीजन, आप लोगों को लग रहा है मेरी बॉडी को देख के कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ. द रीजन बींग, मैंने ये पता कर लिया है कि क्या चीज़ें मुझे बूढ़ा करती हैं, क्या चीज़ें हमारी सॉइल में डिप्लीट हो गई हैं, उनको मैं सप्लीमेंट करती हूँ. आई नो हमें इस चीज़ के लिए पैसा निकालना पड़ता है, बट गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप मेरे इयररिंग्स देखोगे, ये
नकली हैं. ओके, इवन दो आई कैन अफोर्ड गोल्ड इयररिंग्स, नकली चीज़ें मैं ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आई हैव सीन गाइज, मैं ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है. मैं एक ज्वेलर की शॉप पे गई, वो लेडी आई, शी वॉज अ कम्प्लीट मैस, उसके बालों की क्वालिटी रफ थी, वो ज्वेलर की वाइफ थी. ओके, सो मुझे ये वाले ये खरीदने थे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी मैं नकली पहनती थी बट मेरे कान पक गए थे. सो ज्वेलर की वाइफ आई एंड शी वाज लाइक इतना भारा शरीर एंड उसने इतने बड़े बड़े डायमंड पहने हुए एंड बाल सारे, बालों की कोई जान ही नहीं है, मतलब your hair do not speak, they are so rough guys. लोग आजकल क्या कहते हैं, हमारे पास ये सप्लीमेंट है, वो ये शैम्पू है, वो शैम्पू है. आपको पता है जब मेरे बाल इन देयर बेस्ट हेल्थ होते हैं ना, मैं कितनी भी तेज मसाज करूँ, एक बाल नहीं टूटता गाइज. सो मेरी प्रॉब्लम ये है, मैंने अपने 90% और 75% हेयर लॉस कर दिया अपनी इंजीनियरिंग डेज में, जब मैं एक वेजिटेरियन जेनी इंजीनियरिंग कॉलेज में गई एंड वहाँ पे मैं टॉप करना चाहती थी एंड टॉप करने के कारण मैं वो टाइम बचाती थी मेस जाने का एंड मैं क्या करती थी, नमकीन एंड बिस्किट खाती थी, क्योंकि काश इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर या डॉक्टर के कॉलेजेस, MBBS के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे लोगों को बताया जाए, बच्चों को बताया जाए. सो आई लॉस्ट 85%. मुझे याद है मॉर्निंग में उठ के मैंने नमकीन खाना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ टॉपर एंड आई, यस आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टॉपर, बट मुझे वहां तक पहुंचने में 3 साल लगे. मैंने फर्स्ट साल टॉप नहीं किया, सेकंड टॉप नहीं किया, थर्ड ईयर, बट आई वॉज जस्ट कंसंट्रेटिंग कि मैं और कितना पढ़ूं. इलेक्ट्रॉनिक्स इज हार्ड इंजीनियरिंग एंड आई लॉस्ट 75-80% ऑफ माई हेयर देयर. बट उसके बाद जितने बाल हैं वो अच्छे चल रहे हैं एंड देयर इज अ लिटिल ग्रोथ ऑल्सो, जो कि मेरी मम्मी बताती है. मम्मी मेरी हर बार जैसे मैं इंडिया जाती हूँ मेरे बाल इस तरीके से पकड़ के कहती हैं, पलक रियली इट्स हैप. So again guys, magnesium please, आपके घर पे बुजुर्ग हैं उनको भी तो, हाँ जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं 75-80 में भी, उनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन इशू है, उनके साथ थोड़े से केयरफुल होना मैग्नीशियम के. आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मम्मी पापा 80 इयर्स के हैं, उनको डाइजेशन इशू है, मे बी मैग्नीशियम उनको क्रैम्पिंग करे पेट में, क्योंकि इट्स अ हार्ड मिनरल टू डाइजेस्ट. इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने मम्मी पापा का, माँ बाप, हमारा स्वर्ग कहाँ है, माँ बाप के चरणों में. एप्सम सॉल्ट लो, उनके पैर या टांगे उसमें डिबो दो, एटलीस्ट वो ये नहीं बोलेंगे हाय मेरी टांगे दर्द होती हैं. ठीक है, सो यू कैन डू दिस विद योर पेरेंट्स एंड विद योर किड्स. एंड लाइक आई सेड, जब भी सोफी को मैं हफ्ते में एक बार जब बात देती हूँ, मैं उसके बाद टब के अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट डाल देती हूँ. डू नॉट ओवर डोज इट, बच्चे को उस दिन पोटियाँ लग जाएंगी. थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लो, पहले आधा चम्मच डाल के देखो, फिर एक चम्मच डाल के देखो. ठीक है गाइज, एंड येस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो. इंजीनियरिंग में टॉप करके भी आज सप्लीमेंट एडवाइजर बन गए, यस यस, बट आई लव गाइज, जब मेरा ये एम है इन 5 years आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई इंजीनियरिंग एंड आई ऑलरेडी हैव अ विजन. मैं आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग इन ऑप्टिक फाइबर्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड इन सोलर टेक्नोलॉजी. सो मेरा ये है कि इंडिया की जितनी भी पोल्यूशन का कारण है, एक्चुअली जो सप्लीमेंट्स हैं, इससे मेरा हेट लव रिलेशन है. आई हेट टेकिंग सप्लीमेंट्स, क्योंकि क्या है, बट आई हैव टू टेक, लाइक रोज जब मैं 5-6 गोलियां खाती हूँ, लाइक शिटी लाइफ, क्यों करना है ये. तो मुझे पता है इसका कारण क्या है. जो लास्ट मेरा एम है लाइफ का, वो यही है कि मैं ऐसे कल्टीवेशन शुरू करूं, इसलिए मैं फार्मर्स के बहुत क्लोज टच में हूं कि हम लोग कैसे अपनी सॉइल के अंदर वापस न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं. उस दिन आई डोंट वांट सप्लीमेंट्स, व्हाट आई वांट एट दैट टाइम ऑफ, मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान में यूजिंग सोलर टेक्नोलॉजी एंड सोलर पैनल्स में मैं काम करूँ. एंड आई एम अ वेरी वेरी बिग इंजीनियरिंग फ्रीक टू गाइज. ओके, मैम बीपी लो में ले सकते हैं? नो पूनम, नो. सबसे पहले आपका बीपी इसलिए लो हो रहा है क्योंकि यू हैव टू फिक्स योर, यू हैव टू इंक्रीज योर पोटेशियम इनटेक. पोटेशियम इनटेक इंक्रीज करना है यूजिंग पालक की स्मूदी ले सकते हो. ऑफ कोर्स पालक की स्मूदी, कभी कच्ची पालक नहीं खानी है, उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं. आप पथरी कर सकती है वो, आपको उसको बॉइल करो, पानी को फेंक दो थोड़ा सा एंड उसकी स्मूदी बना लो पालक की, या फिर सिंपल पालक खा लो या हरी सब्जियां खा लो, अपना पोटेशियम इंक्रीज करो. ठीक है, आई एम टेकिंग मैग्नीशियम फ्रॉम लास्ट 2.5 years. आई रिवर्स माई कॉन्स्टिपेशन विद दिस मैजिकल सप्लीमेंट. थैंक यू वेला जी. आई एम टेकिंग पालक नोट्स थिक एंड ग्रो सप्लीमेंट. यस यस माँ, योर हेयर आर बिकमिंग रियली थिक, आई सॉ इट दिस टाइम. मम्मा ने मुझे, अगेन ये चीज़ें मैं नहीं नोट करती हूँ, मेरी माँ नोट करती है. ओमेगा से गर्मी हो जाती है,
रियली यार गर्मी क्या होता है, देन यू स्टार्ट टेकिंग गून कतीरा ना. अब मैं आपको ये बोलूँ कि ओमेगा थ्री बंद कर दो, ओमेगा थ्री आपके शरीर को रोज चाहिए इन्फ्लेमेशन डाउन करने के लिए. इट इज लाइक वन ऑफ द सप्लीमेंट, नॉट वन, इट इज द सप्लीमेंट आई टेक एवरी डे ऑफ माई लाइफ एंड समटाइम टू टाइम्स अ डे. सो अगर आपको ओमेगा थ्री से गर्मी हो रही है, देन यू कैन ओमेगा थ्री को आप गूंद कतीरा ले लो थोड़ा सा. एंड हमने निया को भी ओमेगा थ्री देना शुरू कर दिया है, मेरे ही ब्रांड का ओमेगा थ्री. निया इज लाइक 9 months ओल्ड. तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ड्रॉप उसकी, मैं जो मॉर्निंग में हम लोग खीर बना रहे हैं उसकी यूजिंग अमरंथ एंड कनोवा, उसमें एक ड्रॉप शुरू कर दिया है. अभी वो ले लेगी, उसके बाद नहीं वो लेगी, स्मेल आएगी गंदी. सो गाइज टेक जो बॉडी को कूल करती हैं चीज़ें, टेक एलोवेरा और टेक गूंद कतीरा. ओके, मेक अ वीडियो ऑन लिवर सोराइसिस. आई हैव डन सो मेनी वीडियोज गाइज, क्योंकि मैंने खुद अपनी मॉम का 3rd grade फैटी लिवर से नया लिवर तैयार किया है. सो आई नो के आई हैव डन सो मेनी वीडियोज, गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर पालक नोट्स. उसके बाद हॉट फ्लैशेज एंड वेट गेन, गो टू माई वेबसाइट. एंड दिस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस गाइज, ये चीज़ झूठ है, ये चीज़ बिल्कुल झूठ है कि पीरियड से पहले पेन आना ही आना है. ये गाइज बिल्कुल झूठ है कि मेनोपॉज के सिम्टम्स आने ही आने हैं. मुझे ये बताओ कि आपकी मॉम को कब मेनोपॉज हुआ या आपकी दादी को कब मेनोपॉज हुआ, हमें कैसे पता चला. ये सब आजकल की ही चीज़ें हैं जो कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से होती हैं. यू कैन टेक लिवर डिटॉक्स, एस्ट्रोजन बैलेंस और मेनोपॉज सप्लीमेंट, क्योंकि आपको दिख सिर्फ हॉट फ्लैशेस रहे हैं, बट मुझे पता है आपको बात बात पे रोना आता होगा, आपको मोटिवेशन लो होती होगी, आपकी स्किन खराब हो रही होगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिख रहे हो आपको हॉट फ्लैशेस हैं, बट मुझे पता है आपको 10 तरीके की और प्रॉब्लम्स है विच आर बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इम्बैलेंस गाइस. ओके अरुणा, आई एम टेकिंग मैग्नीशियम फ्रॉम लास्ट 1 year, मेरा कॉन्स्टिपेशन गायब हो गया. परफेक्ट गाइज, आपको इतने कॉन्स्टिपेशन क्यों है, स्टार्ट टेकिंग प्री प्रोबायोटिक पाउडर ताकि आपके वहाँ पे कोलन में जाके वो बैक्टीरियल कॉलोनीज वो करें. पलक, मेरा पोटेशियम हाई आ रहा है, इट्स वेरी बैड फॉर द बोन्स, वेरी बैड फॉर द बोन्स. लोअर या पोटेशियम गाइज, कोकोनट वाटर कम पियो, हरी सब्जियाँ थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो. ओके परमजीत, मैग्नीशियम से मेरे क्रैम्स एंड कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया. परमजीत जी थैंक यू. जसप्रीत, माई हस्बैंड इज टेकिंग मैग्नीशियम फ्रॉम लास्ट 1 year, ही स्टॉप्ड ब्लड प्रेशर डायट. कैन आई टेक दिस स्क्रीन शॉट जसप्रीत, लुक जा मेरा बेटा, लेट मी टेक दिस स्क्रीन शॉट. वाओ पॉसिबल पलक नोट्स टीम, दिस इज अ वेरी पावरफुल टेस्टिमोनियल. मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है ना, वो आपको स्लोली स्लोली हार्ट अटैक ही देगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी से CoQ10 डिप्लीट कर रही है, CoQ10 डिप्लीट कर रही है. सो गाइज, मैं आप लोगों को जो बात बताना चाहती हूँ, मेरी एक भाभी हैं, सो मतलब खराब लगता है बताने में. इस बार जब मैं इंडिया से आ रही थी, मेरी फैमिली ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी थ्रो की थी एंड मेरी वो भाभी भी मुझे मिली. सो शी इज़ माई एज एंड उन्होंने मुझे कहा कि पलक इधर हाथ लगा. मैंने उनके यहाँ पे हाथ लगाया दिल के पास, शी हैज़ दिस जो हार्ट बीट्स को वो करता है ना. आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, एंड उन्होंने मेरे इतने वीडियोस देखे हैं, शी नेवर टुक सप्लीमेंट्स केयरफुली. सो एंड मैंने कहा ये क्या हुआ, और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई गाइज. उन्होंने कहा मुझे लाइक मैंने ऐसे नहा के ही मैं बेहोश हो गई, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, मैं वहाँ बार 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 बेहोश हो रही हूँ. मैंने कहा भाभी अब कितनी बार बेहोश हुए 24 घंटे के अंदर, एंड शी सेड 42 times. आई लाइक व्हाट वाज दैट, देयर वर मिनी हार्ट अटैक्स. दिल में जान ही नहीं थी. अगर आपको दिल में जान डालनी है, पेसमेकर, लाइक व्हाट इज दिस, शी सेड आई वाज सो स्केयर्ड टेलिंग यू. सो गाइज, जो ये मैं सप्लीमेंट्स पिच करती हूँ, ये मैं कोई कपड़े नहीं बेच रही हूँ. यू कैन चूज, दिस इज समथिंग इफ यू वॉन्ट टू सेव योर लाइफ गाइज, दिस इज सीरियस स्टफ. एंड ही इज लाइक मेरे दिल में जान नहीं है. दिल में क्या चीज़ जान देती है, CoQ10. मैंने कहा भाभी आप CoQ10 लेना शुरू करो, मैग्नीशियम लेना शुरू करो. सो शी इज लाइक वेरी हैप्पी लो गो लकी पर्सन. वो इतनी खुश रहती हैं. उन्होंने कभी बीमारी को सीरियसली लिया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में. एंड मैं जब उनसे मिली, मैंने कहा भाभी आप किसी को बता मत देना मेरी भाभी और आपको इतने 42 times आपको हार्ट अटैक आया, रियली. She's like, yes, Palak. And I said, nobody told me. I was like, which supplements were you taking? No, I watch all your videos, but I don't take any supplement, Palak. I was like, why? नहीं, तूने तो बोला था कि खुश रहो, अच्छा खाओ. I was like, still. So, क्या हुआ?
हार्ट वीक होता जा रहा था होता जा रहा था होता जा रहा था होता जा रहा था एंड शी गॉट 42 हार्ट अटैक्स. आई मीन दिस इज अ रियल स्टोरी. वंदना भाभी, वंदना मिड्डा, हर नेम इज वंदना मिड्डा. सुन रही होंगी बहुत मारेंगी. ओके मैम, माय ब्रदर आपको थैंक यू बोल रहे हैं बिकॉज उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, आपके फैट डाइजेस्ट एंड B12 लिवर डिटेक से ठीक हो गया. ओके कंग्रेचुलेशंस. ओके आई यूज 5 फोटोज इंक्लूडिंग मैग्नीशियम फॉस्फोरस नेटफॉस स्विमसर्ट एक्सेट्रा होम्योपैथिक बैगर. ओके यू टेक द कॉम्प्लेक्स, इट्स गुड इनाफ. ओके फीडिंग मदर्स कैन टेक मैग्नीशियम, यस यू कैन टेक, नॉट एवरी डे. Omega-3 टेक एवरी डे, आपके बच्चे का ब्रेन अच्छा डेवलप होगा. ओके माय सन इज 6 इयर्स ओल्ड, ही हैज ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसीज, बोन एज इज लेस देन 2.5 इयर्स. विटामिन डी गाइस, क्यों आपने प्रेगनेंसी में विटामिन डी हाई डोज नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इसीलिए कहती हूँ वीडियोस शेयर करा करो गाइस. वो बच्चा ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी हो गई उसको. सो अगर ये पेट के अंदर ही ठीक हुई होती तो डेफिनेटली आज आपकी लाइफ कुछ और होती, राइट. संदीप कौर, माय हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो नॉर्मल, आई टेक मैग्नीशियम फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स. देखो गाइस इनका भी ब्लड प्रेशर ठीक हो गया. प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट. मैम आई फील दैट माय बोन्स आर गेटिंग वीक, आई कैन हियर क्रैकलिंग साउंड्स, सो यू कैन गो फॉर अ डेक्सा स्कैन देखने के लिए. सच में बोन्स वीक हो रही है एंड गाइज देर इज सो मच रिसर्च गोइंग ऑन कमिंग. अगर अपने बोन्स को स्ट्रांग बनाना है गिव देम लाइक एंटी ग्रेविटी, विच इज वॉट, विच इज जम्पिंग. दिस इज द रीजन जैसे ही मैंने ये रिसर्च पढ़ी कि कूदने से आपकी, वैसे ही हमने स्किपिंग चैलेंज वंडर वुमन में शुरू कर दिया. स्किपिंग चैलेंज हमने शुरू इसीलिए किया है क्योंकि जब आप जंप करते हो, फिर से कह रही हूँ, और उन्होंने क्या किया, जो बूढ़े लोग थे उनको कूदने के लिए नहीं कहा, उनकी पहले बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए रिसर्चर्स ने उनको ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाया. मेरे घर पे ट्रैम्पोलिन है, अनफॉर्चुनेटली सोफी मुझे जंप नहीं करने देती, सो शी डजंट शेयर जस्ट लाइक अ जर्मन. बट जब वो स्कूल जाती है, आई स्टार्टेड जंपिंग ऑन ट्रैम्पोलिन. और ट्रैम्पोलिन पे जंप करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आपकी यूरिन लीकेज होगी आपको उसको होल्ड करके केगल एक्सरसाइज करनी है. सो मैं अपने पेल्विक एरिया की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हर महीने, हर 45 डेज में ट्रैम्पोलिन में जंप करके देखती हूँ कि कितने जंप्स बाद मेरी यूरिन लीकेज हुई. क्योंकि सोफी के पैदा होने के बाद मैंने 2 जंप्स लिए एंड आई हैड यूरिन लीकेज, एंड उसके बाद अब आई कैन जंप इट 10-12 टाइम्स एंड देन द यूरिन लीक. सो आई हैव टू इंक्रीज इट. ठीक है, अब लोग क्या कहेंगे, मेरा यूट्रस बल्की हो गया. हम सबके यूट्रस बल्की हैं. कभी भी यूट्रस जब बच्चा पकड़ता है उसके बाद अपनी शेप में नहीं आता है, थोड़ा सा तो रहता है. यूट्रस नहीं बल्की आपका, यूट्रस हो सकता है आपका एस्ट्रोजन डोमिनेंस से ज्यादा बल्की है, बट हमारा पेल्विक एरिया वीक हो गया. इसीलिए आपको ट्रैम्पोलिन पे जंप करके ये देखना पड़ता है कि क्या आपका पेल्विक एरिया, अगेन ट्रैम्पोलिन जंपिंग अगर आप अपने माँ बाप को भी करवा सकते हो, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, माई हजबेंड्स IBS इज गॉन विद मैग्नीशियम. थैंक यू जैसलीन. ओके थैंक यू गाइज, डू शेयर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट दिवाली होली राखी बाय एंड गिफ्ट समवन लाइफ सप्लीमेंट्स. ठीक है, किसी को ये गिफ्ट दो, मिठाइयाँ, ये सब का जमाना गया. आई हैव सो मेनी वुमेन अराउंड मी हु आर हेल्पिंग. मेरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं एंड दे ऑलवेज नेगोशिएट देयर सैलरी, मैम इतनी सैलरी एंड व्हाट पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्स वी कैन टेक होम, यू नो. सो दे आर रेडी टू कट बैक देयर सैलरीज जस्ट बिकॉज दे वांट टू बाय मैग्नीशियम एंड देन वी गिव एम्प्लॉय डिस्काउंट. ज्यादा नहीं दे सकते हैं बिकॉज वन ऑफ द एम्प्लॉय स्टार्टेड सेलिंग इन द पास्ट. ओके आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, वॉन्ट टू वेट लूज बट स्टक हो गया है. Anyways, non-serious question. Okay, guys, आप लोग अगर मुझे follow करते हो, you know how to lose weight. So, have a great day, guys. Have a great Wednesday. Happy fasting. We are doing 1 meal a day today. And we are running OMAD challenge and skipping challenge. Skipping challenge तभी मैंने करा जब ये नई research मेरे हाथ में आई कि अमेरिका में वो बूढ़ों को trampoline पे धीरे धीरे jump करवा दिया पकड़ के. So have a great day. Do share this video. Bye bye. Bye Jazz. Bye Shilpa.